ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुरिषयो नापि देवः न सेद्धमोख्याय सुरा मनुष्यः कुतो नु विद्याधरचारणादयः धर्मम असली धार्मिक सिद्धांत या धर्म के प्रामाणिक नियम तो लेकिन साक्षात प्रत्यक्षतः भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रणीतम निर्मित न नहीं वही निसंदेह विदु वे जानते हैं। ऋषय भृगु जैसे महान ऋषि न नहीं अपि भी देवा देवता न नहीं सिद्ध मुखिया सिद्ध लोक के मुख्य नेता असुरा असुरगण मनुष्य भूर्लोक के निवासी कुतः कहाँ नु निसंदेह विद्याधर विद्याधर नामक कनिष्ठ देवता चारण उन लोकों के निवासी जहाँ के लोग स्वभाव से महान संगीतकार होते हैं आदय इत्यादि अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सतोगुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते, न ही देवतागण न सिद्ध लोक के नाम के न सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं। तो असुरों सामान्य मनुष्यों विद्याधरों तथा चारणों के कौन कहे। तात्पर्य, जब विष्णु दूतों ने जमदूतों को धर्म के सिद्धांतों का वर्णन के लिए ललकारा तो उन्होंने बतलाया वेद प्रणहितो धर्म, धार्मिक सिद्धांत वैदिक वाङ्मय में निर्मित सिद्धांत है। किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि वैदिक वाङ्मय में कर्मकांड है जो दिव्य नहीं है, अपितु भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों के बीच शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त है। असली धार्मिक सिद्धांत तो निस्त्रैगुण्य है, अर्थात तीनों गुणों से परे या अलौकिक है। जमदूत इन अलौकिक धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते थे, अतः जब उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ऐसे भौतिकतावादी लोगों का जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं वर्णन भगवद गीता में किया गया है, जिसमें कृष्ण कहते हैं
वेदवाद रतः पार्था नान्यदस्तिति वादिनः। वेदों के समर्थक तथा कथित अनुयायी कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। निसंदेह भारतवर्ष में लोगों का एक समुदाय ऐसा है जो वैदिक कर्मकांड का अति उप्रेमी है, किंतु वह इन कर्मकांडों का अर्थ नहीं समझता जो मनुष्य को क्रमशः कृष्ण को जाने के दिव्य पद तक ऊपर उठाने के लिए है। वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्य। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते किंतु वैदिक कर्मकांड के प्रति श्रद्धालु बने रहते हैं वे वेदवाद रता कहलाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि असली धार्मिक सिद्धांत तो वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। इस सिद्धांत का कथन भगवद गीता में हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मनुष्यों को अन्य सारे कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेनी चाहिए। यही असली धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों का पालन करने वाला भी हो सकता है इस अलौकिक सिद्धांत से परिचित न हो, क्योंकि उच्च लोक के देवतागण तक इससे अवगत नहीं हैं। इस दिव्य धार्मिक सिद्धांत को सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से या उनके विशेष प्रतिनिधि से समझना होगा, जैसा कि अगले श्लोकों में बतलाया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग अजामिल प्रसंग पर विचार कर रहे हैं। आप लोग क्रम से सुन रहे हैं। अजामिल के जीवन को प्रस्तुत किया गया, उसके मृत्यु के समय का वर्णन किया गया, कैसे वह यमराज के दूतों को देख करके भयभीत हुआ और भय के मारे अपने पुत्र को पुकारा, हे नारायण आय। और यूं ही अपने पुत्र को पुकारा, भगवान के दूत वहाँ आए, उसको मचा दिए। अजामिल बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान के दूतों का दर्शन करके, उनके प्रवचन को सुन करके वह बहुत ही आनंद अनुभव कर रहा था और उनके प्रवचन का प्रभाव हुआ कि वह अब पूर्ण रूप से भक्ति करने का निर्णय लिया और जाकर के भक्ति किया। जैसा आप लोग सुन लिए सुने हैं कि भगवान के दूत आए, सोने के विमान पर बैठा करके उसको भगवान के धाम ले गए। तो अजामिल तो भगवान के धाम में चला गया। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए, लेकिन परीक्षित महाराज का ध्यान है कि यमराज के दूत क्या किए। अरे अब तक ऐसा नहीं सुना गया था कि यमराज के दूत आए और उनको कोई रोक दे, उनको क्या हुआ। और जब भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में बातचीत चल रही थी, भगवान के दूत धर्म का निरूपण किए, भगवान के नाम के महिमा का निरूपण किए और इसके साथ कहे कि भट्टा है, अरे पहलवानों या अरे मूर्ख, कुछ संशय हो हम लोगों की बात में तो अपने ही स्वामी से पूछ लेना। श्रीमद् भागवतम में यह भी पाठ है कि यदि संशय है हम लोगों की बात में तो तुम लोग अपने स्वामी से जा कर के पूछ लेना।
यमराज के दूत को लग रहा था कि ये भी सही बोल रहे हैं, लेकिन अपने स्वामी के पास जाना तो जरूरी था, वे उनके सेवक हैं। वो बहुत भारी घटना घट गई। भक्त लोग कहते हैं कि वो लोग जो रस्सी ले करके गए थे, वो भगवान के दूत जबरदस्ती वो रस्सी छीन लिए, फेंक दिए। वो अब वो तो सेवक हैं, वो सरकारी काम में बाधा पड़ी है तो अपने अफसर को रिपोर्ट करना तो जरूरी है। वे कोई सरकारी ड्यूटी पर है और उसके कार्य में कोई बाधा डालता है तो ये बहुत भारी दोष माना जाता है। बड़ा कड़ा कानून है कि सरकारी काम में बाधा डाले, तो वे लोग सरकारी काम में रोक दिए। और इतना ही नहीं, वो सरकारी सामान भी छीन लिए, रस्सी पगा। अब तो उनको जा करके यमराज से कहना जरूरी था, और वे लोग बड़ा गुस्सा में थे। देखिए, बड़े लोगों पर आँच आता है। भगवान के दूत भी आक्षेप किए थे, ये तुम लोग यमराज के दूत अपने को कहते हो, तो एक आक्षेप था कि यमराज जी सिखाए क्या है। और ये लोग तो जा करके बड़ा गर्म मिजाज से उनसे पूछे, ये सबसे पहले यह बतलाइए कि संसार में शासक कितने हैं। उनको तो ऐसा अभिमान था, अभिमति थी कि भाई हम लोग स्वामी के आदेश से आए हैं, तो ये लोग प्रणाम इत्यादि किए भी कि नहीं, जा करके सीधे सवाल ही किए, कति संत सस्ता, अरे संसार में शासक कितना है। अब यमराज जी कह सकते हैं कि क्या हुआ, शासक बहुत होंगे, तो बहुत शासक होंगे तो फिर शासक का मतलब क्या हुआ। अरे भाई, एक कोई एक व्यक्ति एक निर्णय दे और दूसरा कोई दूसरा निर्णय दे दे, तब तो आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोई उससे मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं। लेकिन यमराज जी की विशेषता है कि वे बहुत शांत चित्त से उत्तर देने लगे। जो प्रवचन करते हैं तो उनको यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पूछने वाले तो बहुत गुस्सा में भी पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर देने वाले को बहुत शांत चित्त होना चाहिए। तो यमराज जी के दूत बड़ा गुस्सा में प्रश्न पूछ रहे थे कि कहाँ हम लोगों को भेज दिया। वो पूछे कि कति संति है शास्त्रारो, इस संसार में कितने शासक हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई शासक है। वो बहुत बहुत बात बोले हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यमराज जी कह रहे हैं कि परो मदन्यो जगतस्तस्तुतश्च ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम यदंशतो यस्य स्थिर जन्मनाशा नश्योतवद्यस्य वसे च लोक। अरे कि हाँ हाँ, हमारे अतिरिक्त शासक हैं, मत अन्य पर हमसे भिन्न शासक हैं, मैं भी शासक हूँ, लेकिन हमसे जो भिन्न शासक हैं वो उनके बहुत भारी शासन क्षेत्र है। वे कह रहे हैं कि हमसे जो भिन्न पर जो ऊपर के शासक हैं, तो जगतस्तस्थुतश्च, वे स्थावर और जंगम सबके शासक हैं। वो कहने का आशय है कि मैं तो स्थावर का शासक नहीं हूँ, केवल जंगम का शासक। जंगम कहते हैं जो चलने वाले प्राणी हैं,
और स्थावर कहते हैं जो एक तरह स्थित है। कई एक प्राणी हैं जो एक स्थान पर स्थित रहते हैं, जैसे वृक्ष हैं, कई एक पर्वत हैं, और भी प्राणी हैं जो एक जगह पर हैं। तो कह रहे हैं कि जगतस्तस्तुतश्च, वे स्थावर और जंगम दोनों के शासक हैं, दोनों के स्वामी हैं। उनके अद्भुत विशेषता है, ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम, और वो सब जगह व्याप्त है। मैं तो शासक हूँ लेकिन अपने ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन हमसे जो बड़े शासक हैं तो सब जगह व्यापक हैं। और कह रहे हैं कि अरे वो ऐसे शासक हैं कि उनके एक अंश से ये सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य चलता है। तो यमराज जी सबसे पहले भगवान का परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि परह मदन्य, परो मदन्य, हमसे भिन्न है और वे सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। और एक तरह से तुलना किया जाए तो वे कह रहे हैं कि वे स्थावर और जंगम सबके नियामक हैं। और यमराज जी के तरफ ध्यान दिया जाए तो एक तरह से कह रहे हैं कि हम तो स्थावर प्राणी के नियामक नहीं हैं, हमारा कोई कंट्रोल उन पर नहीं है, और जो जंगम हैं, चलने फिरने वाले हैं, तो उसमें भी सब पर नियंत्रण हमारा नहीं है। बाघ हैं, कुत्ते हैं, तो मांस खाए कुछ भी करे, यमराज जी के हम नहीं जाएंगे, वे नरक में नहीं जाएंगे। तो करें कि जो चलने वाले प्राणी भी हैं तो उनमें बहुत बहुत जोनी है, लेकिन सब पर हमारा शासन नहीं है, एक मनुष्य पर। जब मनुष्य भी बहुत हैं तो सब मनुष्य पर नहीं, केवल जो पापी हैं उन पर। हम भी शासक हैं लेकिन तस्य किंकर, पहला नंबर तो हम उनके सेवक हैं। और भगवान जिस स्वामी का वर्णन कर रहे हैं यमराज, वो किसी के सेवक नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो किंकर हैं, हम भी शासक हैं, लेकिन केवल जंगम प्राणी के, उसमें भी मनुष्य के, उसमें मनुष्य में भी केवल पापी। जो पुण्यात्मा है या भक्त है, तो अब यमराज जो उन पर तो शासन नहीं करते हैं, जो भक्ति में मनुष्य है, भक्ति कर रहे हैं, तो अब भले हुए कुछ पाप कर दे लेकिन फिर भी यमराज जो उसको नहीं देखेंगे, भगवान को जो करना होगा करेंगे। और कह रहे हैं कि वे ऐसे शासक हैं कि सारा संसार उन्हीं के नियम से बंधा हुआ है, और अनेक देवताओं का, बड़े बड़े देवताओं का नाम गिना रहे हैं कि वे सब उनके अधीन हैं और सब है उनके वेद रूप वचन से बंधे हुए हैं। तो भगवान का शासन का व्यवस्था वर्णन करने लगे कि भगवान कितने प्रबल शासक हैं, कितने सक्षम शासक हैं, सब जगह व्याप्त हैं, सबको बांधे हुए हैं। तो अभी वे वर्णन कर ही रहे थे और मानो यमराज के दूत कह के ठीक है, उस शासक का वर्णन तो बहुत कर दिए, और लेकिन हमों का तो मतलब है कि अरे वो कौन थे जो हम लोगों को आ करके बाधा डाले, एक पापी को छोड़ा दिए, वे कौन थे? अब उनके विषय में बतलाए, छोड़िए, बड़ा शासक है उसको रहने दीजिए। हम लोगों को ध्यान है कि वे कौन व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि भूतानि विष्णु सुरपूरी सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भूतानि रक्षन्ति तद् भक्ति मतः परेभ्य मत्तस्य मर्त्या न तु सर्वतश्च। पहले भी प्रश्न किए हैं इनके विषय में, तो यमराज जी कह रहे हैं कि सुरपूजितानि, अरे बेवकूफ, तुम लोगों को बहुत भाग्य से दर्शन मिला,
देवता लोग उनकी पूजा करते हैं, चाहिए तो था कि तुम लोग पूजा करो, लेकिन झगड़ा करके आ गए। भूतानि विष्णु सुरपूर्जितानि दुर्दर्श लिंगानि, जल्दी उनका दर्शन नहीं होता है, लेकिन संयोग से तुम लोगों को दर्शन हुआ। और देवता लोग भी पूजा करते हैं तो पूजा करना चाहिए था, तुम तो झगड़ा कर लिए। महाभूतानि उनका अद्भुत पराक्रम है। और भूतानि विष्णु जिसके शासन का मैं वर्णन कर रहा हूँ उसी के व्यक्ति हैं। रक्षन्ति भक्ति मतः परेभ्य, वे भगवान के भक्ति से युक्त व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? परेभ्य, किसी भी शत्रु से। और इनके केवल शत्रु से ही नहीं, मत्तश्च मुझसे भी रक्षा करते हैं, सर्वतश्च सब जगह से रक्षा करते हैं। तो ये जो सुंदर व्यक्ति थे भूतानि विष्णु सुरपूजितानि, वे भगवान के दूत हैं। और प्रायण दूता इवय मनोहरा चरंत तदरूप गुण स्वभाव, वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। महाभूतानि जैसे महान भगवान महान हैं, अनंत उनके गुण हैं, तो वैसे उनके जो दूत हैं उनके भक्त हैं, तो वे भी भगवान के गुणों से करुणा इत्यादि से युक्त हैं। और उनका बहुत पराक्रम भी है। तदरूप गुण स्वभाव, भगवान जैसा उनका रूप है, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं। और तदरूप गुण स्वभाव, स्वभाव भी भगवान जैसा है, दया इत्यादि गुण भी हैं। तो वे सब जगह से उन भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, रक्षन्ति तद भक्ति मत, जो भगवान के भक्ति से युक्त हैं तो उनकी रक्षा करते हैं। किससे किससे रक्षा करते हैं? परेभ्य, किसी प्रकार का कोई शत्रु। और मत्तश्च मुझसे भी रक्षा करते हैं, सर्वतश्च सब तरह से रक्षा करते हैं। ये भगवान की विशेषता है और भगवान के दूतों की विवस्था है, नहीं विशेषता है। लेकिन भगवान के दूतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भक्ति से युक्त हैं उनकी वे रक्षा करते हैं। लेकिन जब दूतों के मन में कौतुक है तो ठीक है, भगवान के दूत हैं, भक्तों की रक्षा करें, लेकिन हम लोगों के साथ तो देखें कि वो जो चार व्यक्ति थे एक पापी की रक्षा किए, ये क्या मतलब है? महान पापी की रक्षा किए, ये बात हम लोगों को नहीं समझ में आ रही। भक्तों की रक्षा करते हैं ठीक है, उस पापी की रक्षा क्यों किए? तब जमराज जी कह रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम है। कि बेटा तुम लोग समझ नहीं रहे हो, क्या धर्म है? वो पापी नहीं था, वो परम धार्मिक है। भगवान धर्म का सिद्धांत दिए हैं तो नवै विदु ऋषयो नापि देवा। भगवान जो परम धर्म का सिद्धांत दिए हैं तो जो सत्वगुण में स्थित रहते हैं वे ऋषि लोग भी उस धर्म को नहीं समझ पाते। जो ऊंचे लोक में देवता लोग निवास कर रहे हैं, सत्वगुण की वृत्ति होती है, वे भी उस धर्म को नहीं समझ पाते। न सिद्ध मुख्या, और सिद्ध लोक में जो बड़े बड़े लोग हैं वे भी नहीं समझ पाते। तो फिर तुम लोग न समझा तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब सिद्ध लोग नहीं समझ पाते, देवता नहीं समझ पाते हैं, तो अब असुर मनुष्य विद्याधर चारण ये क्या समझेंगे? विद्याधर इत्यादि देवताओं के ही योनि है, लेकिन इनको उपदेव कहा जाता है, देवता से इनका कुछ रैंक नीचे है। वो कह रहे हैं कि जो देवता ही
और सिद्ध मुख्य ऋषि लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मनुष्य असुर चारण विद्याधर ये लोग कैसे समझ सकते हैं? तो कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम लोग उस धर्म को नहीं समझ पाए। अरे एक प्रश्न होगा कि जब वे बड़े बड़े देवता नहीं धर्म को समझते हैं, ऋषि लोग नहीं समझते हैं, तो धर्म है नहीं है क्या है कैसे पता चलेगा? वो कह रहे हैं कि ना, समझने वाले लोग हैं, हम भी समझते हैं, मनु महाराज समझते हैं, नारद जी समझते हैं, और जो लोग उनका संग करेंगे उनको भी वह धर्म समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान जी धर्म का प्रवर्तन किए, उपदेश किए, स्थापना किए तो उसको कोई समझता ही नहीं है, कोई समझे ही ना, तो उस धर्म का मतलब क्या है? तो समझने वाले भी हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म दो प्रकार का है, एक को गुणमय धर्म कहा जाता है और एक निर्गुण धर्म है। दोनों का वर्णन वेद में ही है, लेकिन कुछ लोग अब वेद में फंसे रहते हैं। अर्जुन भी इसी व्यामोह में थे। अर्जुन ने अपने परिवार की चिंता में पड़ गए, लेकिन भगवान उनको उपदेश दिए कि अरे गुणमय धर्म भी है वेद में, लेकिन न स्त्रीगुण्यो भवार्जुन, तुम इससे ऊपर हो जाओ। तो समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि त्रैगुण्य विषया वेद, न स्त्रीगुण्यो भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं कि वेद में तो तीनों गुण के धर्म का वर्णन किया गया, तुम इससे ऊपर हो जाओ। कभी तो प्रश्न होगा कि वेद से बाहर वो कुछ है, तो ना, वेद में ही है। वेद में भी मुख्य रूप से गुणमय धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन उसी वेद में गुणातीत धर्म का भी वर्णन किया गया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम गुणातीत धर्म तक पहुंच जाओ। इस बात को व्यवहार में समझना चाहिए। जब ही वेद का अनुशीलन करेंगे तो वेद से और बंधन ही बढ़ता है। भगवान इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऊर्ध्वमूल मदः शाखं अश्वत्थं प्राहु रव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद स वेदविद्। अरे वे वेद का जानकार तो उसी व्यक्ति को माना जाएगा जो इस बात को समझ जाए कि छन्दांसि यस्य पर्णानि, इस संसार वृक्ष के वेद ही पत्ते हैं। भाई कोई वृक्ष है तो पत्ता का क्या महत्व है? कोई अंतर पड़ता है? मान लीजिए कि कोई वृक्ष है और छोटा वृक्ष है, उसके पत्ता छोड़ दीजिए और किसी वृक्ष का पूरा पत्ता काट दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा? मतलब ये कोई कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वो जिस वृक्ष का पत्ता काट देंगे तो उसमें वृद्धि नहीं होगी। वो देते हैं ना कि वृक्ष मुख्य रूप से तो जड़ से भोजन लेता है, लेकिन पत्ता से भी उसका पोषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस से स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसी तरह ये जो वेद है तो और संसार के बंधन को बढ़ा देता है, पुष्ट कर देता है। इस बात को जो समझेगा उसी को भगवान कह रहे हैं कि वह वेद का जानकार है। ये बात कई एक जगह आई है। व्यास देव को डांट सहना पड़ा, उनको डांट पड़ी। वे सोचे कि वेद का जो विषय है उसको सबके लिए पहुंचा दे, वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, तो वेद के विषय को ही वो महाभारत में लिख दे, और सोचे कि बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यद्यपि उनको लग रहा था कि कुछ हमसे त्रुटि हो गई, लेकिन वे समझ नहीं रहे थे कि क्या त्रुटि है।
वे अपने तरफ से समाज के हित के लिए बहुत बड़ा कार्य किए कि भाई सबके वेद का ज्ञान सुलभ। लेकिन जब नारद जी से भेंट हुए, नारद जी उनको डांटना प्रारंभ किए, सोचते हो कि बड़ा काम कर दिए, अरे तुम ठीक उल्टा काम कर दिया, स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम। ऐसे ही व्यक्ति परिवार पुत्र में आसक्त है। अब तुम महाभारत में वर्णन क्या किए, महाभारत आप पढ़िए तो परिवार के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, यही सब तो सिखाया गया है। और नारद जी कह रहे हैं कि स्वभाव रक्तस्य, जब मान लीजिए कि जिसको वेद का ज्ञान नहीं है, महाभारत न पढ़े तो एकदम विरक्त हो जाएगा, परिवार से कोई आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्त तो ऐसे ही है, ऊपर से उपदेश दे करके कि भाई भाई में प्रेम रहना चाहिए, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए, ये तो उल्टा कार्य करती है। तो समझने की बात यह है कि धर्म दो स्तर का है, एक को गुणमय धर्म कहते हैं और एक को निर्गुण धर्म कहते हैं। लेकिन जो निर्गुण धर्म है और इसको सब लोग समझ नहीं पाते, भक्तों के संग से ही इस धर्म का ज्ञान होता है। तो इस श्लोक में यमराज जी कह रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म की स्थापना किए हैं, भगवान ही इस धर्म के प्रणेता हैं। लेकिन कठिनाई है कि धर्म के असली सिद्धांत को ऋषि लोग भी नहीं समझ पाते, देवता लोग भी नहीं समझ पाते, जो बड़े बड़े सिद्ध हैं वे भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर मनुष्य असुर विद्याधर यमराज के दूत समझे, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। तो एक फिर प्रश्न होगा कि आखिर वो धर्म है क्या। वो कह रहे हैं कि एतावाने व लोकेस्मिन पुंसम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। कह रहे हैं कि भाई इस संसार में बस इतना ही धर्म स्थापना है, धर्म है भक्ति योगो भगवती, भगवान में प्रेम लक्षण भक्ति हो जाए। अरे भी वो कैसे होगा, तन्नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, साधन भक्ति करने से भगवान में प्रेम भक्ति हो जाए तो बस इतना ही धर्म है। एतावान एव, इससे भिन्न कोई धर्म नहीं है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई कितना हूँ अच्छा से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा, राष्ट्र का हित चिंतन में लगा हुआ है और करुणा इत्यादि गुण को धारण कर रहा है, बहुत बहुत कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन यदि भक्ति से शून्य है वास्तव में धर्म नहीं, परम धर्म नहीं। एक भक्त हैं, वे एक बार हमसे पूछे थे कि हम तो समाज के कल्याण में लगे थे, दवा इत्यादि बांटते थे, तो वो धर्म है कि नहीं। वो धर्म है लेकिन परम धर्म नहीं। जब तक व्यक्ति भगवान के प्रेम के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है, उसका लोभ नहीं जग रहा है, तो धर्म क्या है। तो कह रहे हैं कि एतावयनेव लोकेस्मिन पुंसम धर्म परस्मृत, वो सामान्य धर्म है, अपर धर्म है, अवर धर्म हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म यही है कि व्यक्ति तन नाम ग्रहणादि भी जो साधन भक्ति है, मुख्य रूप से जप, तो इससे साधन को करके और भगवान में अपने प्रेम को विकसित कर ले, प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर ले, तो यही परम धर्म है, इतना ही परम धर्म है। इससे भक्ति की प्राप्ति के लिए यदि दूसरे का कल्याण कर रहे हैं तो वो भी साधन हो जाएगा। समाज में दवा बांटना, भोजन बांटना, लोगों को सुखी करना,
यह भी धर्म है। लेकिन यदि कोई भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा है, तब जब उसको यह भावना है कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो बहुत भारी साधन है। और यदि केवल समाज के प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन परम धर्म नहीं है। यह गुणमय धर्म है और इसी से ऊपर उठने के लिए भगवान अर्जुन को उपदेश दिए। लेकिन सब लोग इस बात को समझ नहीं पाते, वो लोग नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। कोई लड़का भक्ति के लिए अब इस्कान में ज्वाइन करता है तो उसके गार्जियन प्रश्न करते हैं, अरे सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगा। अब ये अंश भूल जाते हैं कि सृष्टि को रोकने के लिए कितने लोग लपटे हुए हैं, उनकी चिंता हो जाती है। अब बस जो भी विवाह कर रहे हैं केवल सृष्टि की चिंता से कर रहे हैं, कोई दूसरा उनका कोई दूसरा अट्रैक्शन नहीं है। इस श्लोक में जमराज जी परम धर्म की चर्चा कर रहे हैं और स्थिति बतला रहे हैं कि भगवान परम धर्म के स्थापना किए हैं, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अजामिल भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है तो धार्मिक व्यक्ति है, वो पापी नहीं है। केवल कर्म करना यही धर्म नहीं है। और एक आचार्य तो लिखते हैं कि परम धर्म की बात है तो जमराज ये तो सादे ये कर्मार्पण भक्ति को भी बाहर रख रहा है। देखिए भक्ति कई एक प्रकार का है, उसको बांटा गया है तीन भाग में। तो एक को कहा जाता है स्वरूप सिद्धा। स्वरूप सिद्धा का अर्थ है कि वो अपने आप में भक्ति है, अब कुछ करना नहीं है। लेकिन कोई कोई चीज होता है आरोप सिद्धा। जैसे कोई भोजन बना रहा है अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, तो वह भी भागवत धर्म हो सकता है, परम धर्म हो सकता है जब उसको भगवान को अर्पित किया जाए। तो इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो लौकिक कर्म भी परम धर्म हो जाता है, भागवत धर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ परम धर्म की जब चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि तन नामक ग्रहण आदि भी। तो कहने का आशय यह है कि परम धर्म तो साधन भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति ही है। कभी कभी लोग तर्क करते हैं तो हम परिवार में रह करके भक्ति नहीं कर सकते। अरे भाई जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है। जहाँ सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो आदर्श यही दे रहे हैं, सर्व त्याग करी कर कृष्णे र भजन। सब कुछ त्याग करके भगवान के भक्ति का यही आदर्श है। अब तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, सब कुछ नहीं त्याग कर सकते, तो भाई सब कुछ ले करके भी भगवान की भक्ति करो। तो कुल मिला करके इस श्लोक में जमराज जी यह बतला रहे हैं कि भगवान परम धर्म की स्थापना किए हैं, उसका निरूपण किए हैं, लेकिन खेद की बात है कि बड़े बड़े लोग भी इस धर्म को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं समझ पाता है, वे बतलाए हैं कि बहुत लोग हैं, खास करके 12 लोग हैं जो इस धर्म को समझते हैं। और जो व्यक्ति इनकी परंपरा से धर्म का ज्ञान लेना चाहेगा तो वो परम धर्म को समझ सकता है। हरे कृष्ण।
प्रश्न नहीं करना है ना, पारण करना है ना। प्रश्न किसी को हो तो पूछ सकते हैं। आए स्वरूप सिद्धा भक्ति। हाँ, एक को आरोप सिद्धा कहते हैं, एक को संग सिद्धा कहते हैं। आरोप सिद्धा का अर्थ है कि कार्य अपने ढंग से कर रहे हैं, किसी दूसरी परिस्थिति में कर रहे हैं, लेकिन उसको भगवान को अर्पित कर दिए, भगवान को आरोपित कर दिए, तो आरोप से वो अभी भक्ति हो जाता है। लौकिक कर्म भी भागवत धर्म हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। और एक संग सिद्धा भक्ति है। संग सिद्धा भक्ति का अर्थ है कि वो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए उसको कर रहे हैं तो वो भी भक्ति हो जाएगा। जैसे शौच होना, स्नान करना, ये अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन आरती करने के लिए शौच हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वह भी भक्ति का अंग ही माना जाएगा। तो इसको संग सिद्धा भक्ति कहा जाता है। हाँ ठीक ठीक है, पूछे। स्थावर और चरमक दो तरह के प्राणी होते हैं। हाँ हाँ। स्थावर में पर्वत को क्यों दिया गया है? पर्वत प्राणी है तो उनको क्या लिया जाए? पर्वत प्राणी भी है या प्राणी नहीं? प्राणी हैं, और पहले वे उड़ते थे, पहले वे जंगम ही थे, लेकिन कठिनाई यह थी कि भाई उड़ते उड़ते थक करके कहीं बैठ जाते थे तो बहुत बारी सत्यानाश हो जाता था। तो अब प्रजा बहुत दुखी थी तो इंद्र उनके पंख को काट दिए, तब से स्थावर हो गए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि आज भी कुछ पर्वत उड़ते हैं। जब भगवान कालिय ह्रद में कूदे तो इतनी जोर से आवाज हुई कि कालिय विचार करने लगे कि मैं नाग पर्वत आकर के डुबकी मारा क्या। तो देखिए, जहाँ प्राणियों का वर्णन किया गया है तृतीय स्कंध में, तो कहीं कहीं चेतना का विकास नाहीं के बरोबर है। चेतना है लेकिन नाहीं के बरोबर। तो पर्वत भी प्राणी हैं, यद्यपि उनका चेतना आलमोस्ट नील है, नील नहीं है, आलमोस्ट नील है, तो वो भी पर्वत हैं। सब पर्वत का अपना अपना व्यक्तित्व है। वो पत्थर होने से पूरा निर्जीव नहीं है, वे भी प्राणी हैं। तृतीय स्कंध में इसका कपिल देव जी वर्गीकरण किए हैं। वैसे कौन किससे श्रेष्ठ है वो लंबा लिस्ट है, उसको पढ़ना चाहिए। से कुछ कुछ प्राणी हैं, जैसे वृक्ष है तो स्पर्श का ज्ञान रखते हैं, गंध का ज्ञान नहीं रखते। वृक्ष को आप देखेंगे कि कहीं छाया है, मैंने छज्जा है, तो पहले से दूरा दूर हटने लगते हैं, क्योंकि स्पर्श वेदी है। तो कुछ है का कोई वेदना नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, जैसे पर्वत इत्यादि, लेकिन किसी को स्पर्श का ज्ञान है, किसी को गंध का ज्ञान है। तो ऐसे हमें ठीक से याद नहीं है, हेरार्की बनाया गया है कि कौन किससे श्रेष्ठ है। पर्वत भी प्राणी है, वे अचेतन अवस्था में है। मान लीजिए कि कोई आदमी मूर्छा में पड़ जाए तो उसको आदमी नहीं मानेंगे। किसी को मिर्गी आ जाए या क्या कौमा में कहते हैं, कौमा में चला जाए तो उसको आदमी नहीं मानेंगे। वो भी आदमी ही है ना। फिर कौमा में चला गया, उसमें प्राणी है, जीवन है, तभी डॉक्टर लोग उसको प्रयास करते हैं जिलाने का ना। तो उसी तरह पर्वत भी प्राणी हैं, लेकिन उनका चेतना ऑलमोस्ट नील है। लेकिन कुछ कुछ पर्वत हैं कि उड़ते हैं, मैनाक पर्वत आज भी उड़ता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।